तो यार आ चुके एक न्यू वीडियो के साथ वापस। अभी इस वाली वीडियो में स्पॉन आइलैंड में मेरे को एक बंदा दिखता है। अब इसने अपने नाम के आगे YT लिखा हुआ है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो, जो कि नॉर्मली यूट्यूबर्स लिखते हैं। तो यहाँ मैं इसको चैलेंज करके नोवा बुलाता हूँ और ये मान भी जाता है। तो गाइस बस फिर आगे देखो क्या होता है। तो अब मैं नोवा उतरता हूँ और साथ में उतरते हैं दो और बंदे। तो पहले इनको निपटाते हैं फिर उन बंदों की बारी। अब यहाँ ऊपर कोई गन नहीं मिलती तो मैं जंप करके नीचे आता हूँ और लकीली मेरे को यहाँ मिल जाती है स्कारल। तो गाइज अब यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मेरे को लेफ्ट से भी पड़ रही थी, तो मैं अंदर की तरफ जाता हूँ। अब इतने में ही ये बंदे रोटेट करके मेरे लेफ्ट साइड आ जाते हैं। तो गाइज पहला बंदा तो इजीली नॉक हो जाता है, बट दूसरा बंदा, इसके साथ मेरी थोड़ी टॉम एंड जेरी वाली फाइट हो जाती है। बट फाइनली मैं रश करके इसको भी नॉक करता हूँ। तो गाइज ये दोनों बंदे हो चुके थे फिनिश। अब बारी थी उस बंदे की जो स्पॉन आइलैंड में मिला था। तो मैं यहाँ पे आके TPP लेता हूँ क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं था इन बंदों की लोकेशन का। अब इतने में ही इनका एक बंदा निकल के सामने आता है, उसे नॉक फिनिश करता हूँ। अब ये वही बंदा है जो मेरे को लॉबी में मिला था। एक बंदा नॉक है, एक बंदा फिनिश हो चुका है, अब बचे दो बंदे। अब इनमें से एक बंदे के फुट्स मेरे को आ गए थे जो लेफ्ट में है, वो ऑब्वियसली रिवाइव दे रहा होगा। यही परफेक्ट टाइम है रश करने का। गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।